हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ आरबीआई, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। खैर, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम का ही पार्ट है आरबीआई। तो आरबीआई से स्पेशली पीजीटी इकोनॉमिक्स में और यूजीसी नेट एग्जाम में और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछता ही है, ठीक है। तो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में थोड़े और क्वेश्चन आएंगे जिसमें बैंकिंग सिस्टम टोटली आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 जो स्पेशल क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उस टाइप के। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक से लेके फिर हम चलेंगे एडवांस की तरफ। सो कोर्सेज में अगर आपने ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लीजिए, क्रैश कोर्स चल रहा है, कंप्लीट बैचेस चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट जो स्टार्ट होगा वो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका इस मंथ के एंड में, ठीक है। मतलब मई के एंड में मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड सीरीज, ठीक है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, द सेविंग बैंक अकाउंट दैट डज नॉट ऑपरेट फॉर मोर देन 24 मंथ्स। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल यूजीसी नेट में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चेक बाउंस की डेट लास्ट में पूछा गया था, अगर चेक बाउंस हो जाए तो उसकी कितनी पनिशमेंट है या फिर कितनी पेनल्टी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे। और एग्जाम में पूछा गया था कि जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। सो सेविंग बैंक जो ऐसा बैंक जो 24 महीने से जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है, इस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे। सो हम लोग सीधा राइट आंसर की तरफ चलते हैं। आपका जो भी आंसर है, लाइव चैट ऑन है तो लाइव चैट में भी आप अपनी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो डॉर्मेंट अकाउंट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती 24 मंथ्स से, ठीक है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह तो आपको मिल जाएगा लेकिन कोई एक्टिविटी इसमें अदर एक्टिविटी नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट अकाउंट। और भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। दैट इज नो फाइनेंशियल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड वही हो गया 24 मंथ्स, मतलब 2 साल, एक्सेप्ट फॉर पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होता रहेगा, ठीक। सो मेन चीज़ है ये वाला डॉर्मेंट अकाउंट, ठीक है। 24 मंथ्स अगर एक्टिविटी नहीं होती 2 ईयर तक तो ये बन जाएगा डॉर्मेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू, ट्रेजरी बिल अगेन मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। सो ट्रेजरी बिल, उसके बाद कमर्शियल पेपर्स, रेपो रेट्स एंड एसडीआरस। जो इजी है उसको आप पहले मैच करो, ठीक है। रेपो रेट्स आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है, और उसके बाद एसडीआर, ये भी इजी है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आईएमएफ मैनेज करता है, ठीक है। और ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म्स जो जितने भी ट्रेजरी बिल्स हैं उसको गवर्नमेंट, और उसके बाद कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर बाई प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं फिर राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स स्पेशली शॉर्ट टर्म्स होते हैं, ठीक है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ठीक है। और उसके बाद कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, कब शुरू हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे 1990 में। और कमर्शियल पेपर ऐसे पेपर हैं जिसमें कोई पूरा अनसिक्योर्ड है, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, ठीक, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह ले सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड वन, रेपो रेट, हम सभी जानते हैं ऐसा रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रही है आरबीआई। अभी रेपो रेट भी थोड़ा सा चेंज हो गया है जो मई 2022 के रेट्स, ठीक है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी हो गया 4.40। सो 0.40% का जो अभी चेंजेस आया वो हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, मतलब अभी क्या कर रही है आरबीआई, टाइट कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी को या मनी सप्लाई को, ठीक है। और उसके बाद एसडीआर जो मैनेज कर रही है आईएमएफ, ठीक है, और 1969 में ये शुरू हुआ था, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ट्रेजरी बिल्स थर्ड, सो दैट इज फर्स्ट का थर्ड, और उसके बाद दैट इज कमर्शियल पेपर फोर्थ, सो दैट इज फोर्थ, एंड उसके बाद रेपो रेट बाय आरबीआई, तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, दैट इज थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। तो अगर लोन पे नहीं करोगे बैक तो कितने टाइम के बाद ये एनपीए की लिस्ट में आ जाएगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में ये लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो वो है अपना राइट आंसर 90 डेज, ठीक है, 90 डेज
उसके बाद वो टर्म जो भी लोन है अगर पे नहीं करोगे तो वो एनपीए में अपने आप आ जाएगा। थोड़े और डिटेल में करते हैं। सो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेफर टू क्लासिफिकेशन फॉर लोन्स और एडवांसेस दैट आर डिफॉल्ट और एरियर्स। तो डिफॉल्ट है जो पे नहीं किए गए हैं। अ लोन इज इन एरियर्स व्हेन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट आर लेट और मिस्ड, ठीक है। एंड अ लोन इज इन डिफॉल्ट व्हेन द लेंडर कंसिडर्स द लोन एग्रीमेंट टू बी ब्रोकन। अगर कोई भी लोन एग्रीमेंट ब्रोकन होता है या फिर कोई जितने भी जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं हो रही लोन की, तो वो कंसिडर हो जाएगा एनपीए, ठीक है, 90 डेज के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू। इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो पीजीटी लेवल पे काफ़ी पूछे जाएंगे। मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर हम लोग कंसिडर करते हैं 1/RR। सो 1/RR जो है ये है लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। तो लीगल जो रिजर्व रेशो है या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये बनता है दो चीज़ों से, ठीक है। वन इज SLR एंड वन इज CRR, ठीक है, CRR और SLR से। सो अभी करेंटली अगर हम बात करें तो ये 18% प्लस ये हो गया 4.5% हो गया, ठीक है। थोड़ा चेंज आया है CRR में, पहले 4% था अभी 4.5%, ठीक। तो टोटल हो गया 22.5% टोटल LRR, ठीक। सो 1/SLR प्लस CRR, ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो जितने भी रेट्स हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थी मई 2022 की अभी के हिसाब से, लेकिन अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जून 2020 वाला, उसमें मई का तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो प्रीवियस जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ हैं उनसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो लगभग सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। जिसके रेट कम है उसको पहले लगाएंगे और जिसके रेट्स ज़्यादा हैं उनको बाद में लगाएंगे, ठीक। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे जो रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, ये सबसे कम होता है। अभी कितना है, 3.35%, और रेपो रेट जो है अभी 4.40%, और मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट, ठीक है, ये अभी चल रहा है, ये उतना ही होगा जितना आपका बैंक रेट होगा, ठीक है, 4.65%, और SLR अभी 18%, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो फोर्थ है, जिसका भी आंसर फोर्थ है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन देख लेना, किस लेवल की अभी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये 13 मई 2022 तक जो रेपो रेट है, ठीक है, जितने भी रेट्स हैं, रेपो रेट 4.40, बैंक रेट 4.65, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एंड मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी उतना ही रहेगा जितना बैंक रेट रहेगा, ठीक है, 4.65%, और CRR 4.50%। सो अभी ये 21 मई से इफेक्टिव या फिर लागू हो जाएगा, ठीक है, SLR 18%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मनी दैट इज इश्यूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये 12th लेवल में बहुत आते हैं। तो 12th लेवल पे हैं तो मतलब पीजीटी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी उसको पब्लिश कर रही है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ठीक, करेक्ट आंसर है। राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज फिएट मनी। सो फिएट मनी ऐसे मनी है जो गवर्नमेंट के लीगल टेंडर से, ठीक है, पब्लिश होगी। जैसे जितने भी करेंसी नोट्स हैं हमारे वो सब लीगल टेंडर ही हैं, ठीक है, तो फिएट मनी हम उसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। जो आपका बैंक में डिमांड डिपॉजिट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। चेकेबल डिपॉजिट्स, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड, एंड बोथ ए एंड बी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा अमाउंट है जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो चेकेबल डिपॉजिट भी और डिपॉजिट विथ कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। जिसका भी डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो एक तो कमिटीज अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग से कमिटीज बहुत सारी हैं, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इस पर भी स्पेशल एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम लोग टारगेट करते हैं कि एक वीक में ऐसे नॉलेजेबल या फिर ऐसे वीडियोस बनाए जाए जिसमें मैक्सिमम कंटेंट बिल्कुल रिलायबल हो और एग्ज़ाम में आने वाला हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक वीक में, ठीक है, वीक में हम लोग सिर्फ 2 या 3 वीडियो ही पब्लिश करते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। सो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक कब हुआ था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग होम कमेटी, ठीक है, ऑन बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद एनेक्टमेंट ऑफ फेमा,
और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्जिम बहुत ईजी है। अगर आप लोग मनी एंड बैंकिंग आपका कवर हो गया टोटली तो इसमें से आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट फेज नेशनलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, 1969 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट नर्सिंग होम कमेटी, ठीक है, 1991, और ये नर्सिंग कमेटी अगर 2 आएगी तो वो 1997 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमेटी बैंकिंग सिस्टम 1991। उसके बाद फेमा, फेरा की जगह फेमा आ गया था 1999 में, और एक्जिम बैंक 1982। करेक्ट, नाबार्ड और एक्जिम बैंक दोनों की डेट सेम है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आ गया आपका 1969 फर्स्ट, ठीक है, ए, तो सब में ही ए है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो होगा दैट इज़ 4, दैट इज़ डी। ठीक है, और तो सेकंड और फोर में जो आंसर हो सकता है, एनेक्टमेंट ऑफ फेमा 1999, और उसके बाद आएगा अपना बी, सो दैट इज़ बी, सो सेकंड वन जो आंसर है अपना करेक्ट है। ठीक, इनके डिटेल में डिस्कशन भी डिटेल में है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू, हाई पावर्ड मनी जिसको हम बोलते हैं बेस मनी, ठीक है, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी, इसका डिटेल में वीडियो भी है, उसको भी आप देख लेना, मनी एंड बैंकिंग का पार्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग, जो हाई पावर्ड मनी होता है, ठीक है, राइट आंसर आपको इंडिकेट कर भी गया होगा, सो राइट आंसर दैट इज मनी, नोट्स प्लस कॉइन्स हेल्ड बाई द पब्लिक, वर्ल्ड कैश, जितना भी कैश लोगों का पब्लिक के पास है, मतलब करेंसी पब्लिक, और दूसरी बात वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, जितना भी बैंक वॉल्ट कैश है, मतलब ऐसा कैश जिसको पब्लिक को वापस करना ही है उसने, ठीक है, एज अ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, तो इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी बेस। और एक बात, ये बात ध्यान रहे, मॉनेटरी बेस इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आरबीआई जितना मनी प्रिंट करती है, ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस, जैसे मनी क्रिएशन का प्रोसेस होता है, उसमें 1000 रुपीज़ को 10,000 में कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बात होती है जो ये 1000 रुपीज़ है, ठीक है, बेस मनी, इसकी बात होती है, जो डिमांड डिपॉजिट से या फिर जो मनी क्रिएशन से आगे क्रेडिट क्रिएट हो जाता है 10,000, उसकी बात नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस। ठीक है, मॉनेटरी बेस क्रिएटेड बाई आरबीआई, बात ध्यान रहे, क्रिएटेड बाई आरबीआई या फिर क्रिएटेड बाई गवर्नमेंट भी आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी, ठीक है, मनी 1 रुपीज़ कॉइन और सभी कॉइन्स, 1 रुपीज़ नोट और कॉइन प्लस सभी कॉइन को गवर्नमेंट मिंट करता है। ठीक, चलिए, तो राइट आंसर है यहाँ पे डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, बहुत बार नाम आया होगा, जितने ही बैंकिंग सिस्टम है ना इंडिया में, नॉन शेड्यूल्ड बहुत कम है, सभी मोस्टली आपका अकाउंट भी शेड्यूल्ड बैंक में ही है, सो ऐसे बैंक विच आर इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो शेड्यूल बैंक जितने भी हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है, और आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सबको ये फॉलो करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ चेक, इजी क्वेश्चन है कि चेक का मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है। ठीक, सो 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज या 180 डेज, तो एक चेक की जो मैक्सिमम वैलिडिटी डेट होती है वो होती है 90 डेज। ठीक है, ये बस याद रखना, कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कुछ नहीं पता। ठीक, पहले 6 मंथ थी, अभी रिड्यूस करके कर दिया 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट यू मीन बाय टर्म मनी, ठीक है, टर्म मनी, कॉल मनी, ठीक है, ये इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट है कई बार पूछ सकता है, ठीक है, टर्म मनी का क्या मतलब है। ठीक, चलिए, राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, आप लोग अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है तो उसको आप पॉज भी कर सकते हैं। ठीक, तो टर्म मनी एक ऐसा जो शॉर्ट टर्म लोन है मनी मार्केट से जो लेते हैं, दैट इज लोन अबव द 14 डेज, 14 डेज के ऊपर एंड 364 डेज तक, मतलब 1 साल से जस्ट कम, ठीक है, 364 डेज इन द मनी मार्केट, करेक्ट है। अगर 14 डेज से बिलो होगा, ठीक है, अगर बिलो 14 डेज होगा तो वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली नोटिस मनी। ठीक, सो दैट इज वेयर मनी इज बोरोड और लेंट फॉर अ पीरियड बिटवीन 2 डेज एंड 14 डेज, तो उसको हम बोलेंगे नोटिस मनी। तो ये जो टर्म्स है ना, कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्रेडिट क्रिएटेड, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन इन कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, क्रेडिट क्रिएशन जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, सी आर आर,
एसएलआर, इनिशियल डिपॉजिट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो क्रेडिट क्रिएशन अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो सीआरआर प्लस एसएलआर इन दोनों से बन गया लीगल रिक्वायर्ड, ठीक है, रिजर्व। और उसके बाद ये तो चाहिए ही चाहिए। और इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका, इनिशियल डिपॉजिट ही तय करेगा, दैट इज़ जैसे हम 1000 रुपीज़ इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट है, अब डिपेंड करेगा कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है। अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू दैट इज़ 20% रिजर्व रखोगे तो 5 मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है तो मनी क्रिएशन कितने टाइम होगा, 5 टाइम। ठीक है, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट 5000। ठीक, तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th दैट इज 12th क्लास का, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स में काफ़ी रिपीट हो सकता है। चलिए, तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऐसा प्रपोर्शन कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का जो कहाँ रखना पड़ रहा है, आरबीआई के पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन होता कि डिपॉजिट का कुछ प्रपोर्शन जो बैंक अपने पास खुद रखता है तो वो क्या हो जाता, करेक्ट, तो वो बन जाता एसएलआर। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सीआरआर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बेटेड द आरबीआई, अगर इन्फ्लेशन को कॉम्बेट करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आरबीआई वाले पोर्शन में भी हमने किए थे। ठीक है, इन्फ्लेशन यहाँ पे है, आरबीआई को कंट्रोल करना है तो क्या करेगी, एसएलआर रेज और सीआरआर लोअर, लोअर एसएलआर एंड रेज सीआरआर, या फिर दोनों को वो बढ़ाएगी या फिर कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करेगी। ठीक, सो दोनों को ही वो क्या करेगी, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देगी। ठीक है, ताकि जो मनी रिजर्व है, रिजर्व ज़्यादा रहेगा और मार्केट में मनी सप्लाई कम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सेम क्वेश्चन है, इफ रिसेशन इज टू बी कॉम्बेटेड, अब रिसेशन को कॉम्बेट करना है, नाउ आरबीआई विल अडॉप्ट विच काइंड ऑफ पॉलिसी, तो आरबीआई किस टाइप की पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, बैंक रेट नीड टू बी लोवर्ड, बैंक रेट कम कर देगी, सीआरआर भी कम कर देगी बोथ, एंड रेपो रेट नीड टू बी लोवर्ड एंड सीआरआर नीड टू बी रेज्ड। ठीक, अब क्या गया, मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है, रिसेशन है, मनी सप्लाई कम है, ठीक, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है, सो बैंक रेट और सीआरआर को वो क्या करेगी, लोअर कर देगी। ठीक है, तो रिजर्व कम रहेगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा, सो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएसएफ। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। ठीक, सो ऐसा रेट है एमएसएफ जिस रेट पे आरबीआई एक स्पेशल विंडो ओपन करता है, अगर कोई किसी बैंक को लोन नहीं मिल रहा कहीं से, सो ओवरनाइट लोन प्रोवाइड कर सकता है आरबीआई। ठीक है, लेकिन आरबीआई लोन तो प्रोवाइड करेगा शॉर्ट रन के लिए, लेकिन एक कंडीशन रख देगा कि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है थोड़ा सा हाई होगा, जैसे रेपो रेट में होता है वैसा नहीं होगा। ठीक है, उतना ही देगा जितना बैंक रेट चार्ज करता है। ठीक है, बैंक रेट अभी 6.65 है तो 6.65 ही करेगा, लेकिन बैंक रेट लॉन्ग पीरियड के लिए है, लेकिन एमएसएफ जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से इसमें करेक्ट हैं। एमएसएफ इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग एलएएफ एंड इज अ पार्ट ऑफ इट। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो रेपो रेट होता है और एक रिवर्स रेपो रेट होता है, जिससे लिक्विडिटी एडजस्ट की जाती है या फिर आरबीआई लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, तो ये पार्ट नहीं है, एल ए एफ का पार्ट तो है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, जिसमें भी ए ऑप्शन है उसको काट दो। ठीक है, तो बचा हमारे पास एक ही। सो एम एस एफ इज़ अ कॉस्टलियर रूट देन रेपो रेट, बिल्कुल ठीक है, रेपो रेट अभी 4.40 है लेकिन एम एस एफ कितना है, 4.65। ठीक है, कॉस्टलियर है, करेक्ट है। एम एस एफ फंक्शन एज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, अगर कोई किसी को बैंक को लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा कोई भी, तो लास्ट रिसोर्ट और फादर ऑफ ऑल बैंक, तो फादर यहाँ पे हेल्प करेगा, करेक्ट है। एमएसएफ इज लिंक टू द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। अब ये बैंक की सिचुएशन देखेगा कि बैंक के पास कितना डिपॉजिट है, कितना पैसा बैंक के पास है, उसके हिसाब से उसको हेल्प करेगा। ठीक है, आरबीआई, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो बी सी डी दैट इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में क्या कुछ आएगा,
सो डिमांड डिपॉजिट जितनी भी ऑप्शन हैं एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा ठीक है, अगर थोड़ा फास्ट चल रहा है। सो डिमांड डिपॉजिट में इट इंक्लूड बोथ, करेंट अकाउंट भी आता है और उसमें सेविंग अकाउंट भी आता है ठीक है। सो इट इंक्लूड बोथ, सो करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इसमें दोनों ही आती हैं ठीक। सो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है कई बार आ सकता है, लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा डिमांड डिपॉजिट में दोनों ही अकाउंट आते हैं, सेविंग अकाउंट भी और करेंट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द बैंक रेट इज ट्रू, बैंक रेट के बारे में कौन सा ट्रू है ठीक है। नंबर वन, बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट, क्या बैंक रेट इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट है? सो बैंक रेट आरबीआई यूज करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, बल्कि इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करती है अपनी सहूलत के हिसाब से, कोई बैंक कम करता है कोई बैंक ज़्यादा करता है, बिल्कुल डिफरेंट करेक्ट है। बैंक रेट इज डिस्काउंट रेट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, बिल्कुल ठीक है, डिस्काउंट रेट भी इसको हम बोलते हैं ठीक करेक्ट है। उसके बाद बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, ज़्यादा इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड असेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जो मोस्ट लिक्विड है ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोस्ट लिक्विड कौन सा है। मोस्ट लिक्विड जो होता है वो होता है करेंसी ठीक है, करेंसी मोस्ट लिक्विड होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट जिसको आप लोग डिमांड पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, और नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट में भी आप पैसा निकाल सकते हो ठीक है। थर्ड और टाइम डिपॉजिट में थोड़ा टाइम लगता है ठीक है, ये तो फोर्थ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए तो पहले आ गया, फिर फोर, फिर हो गया बी ठीक है, फिर हो गया डी और फिर हो गया सी। सो जो थर्ड वन है वो बिल्कुल करेक्ट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर द पेपर करेंसी एक्ट वॉज पास्ड, पेपर करेंसी एक्ट किस ईयर में पास हुआ था। सो इंडिया का जो पेपर करेंसी एक्ट था, ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, सिर्फ एक बार आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, मे बी याद भी होगा ठीक है। करेक्ट आंसर दैट इज 1861 ठीक है, करेंसी एक्ट। और इस करेंसी एक्ट के पीछे भी कुछ स्टोरी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इससे पहले जितने भी करेंसी थी ठीक है, वो जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये उसको प्रिंट करती थी ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब सिर्फ द पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तहत ही पैसा प्रिंट हो सकता है। और वो कौन, किसके प्रेसिडेंशियल बैंक जो है हमारे तीन कम, दैट इज बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास ठीक है, इनके पास राइट था कि ये पैसा प्रिंट कर सकती है अकॉर्डिंग टू पेपर करेंसी एक्ट 1861। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया नाउ एम एट टारगेटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट क्या है। और कई बार क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीआई की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो किसको टारगेट कर रही है, डब्ल्यूपीआई को या सीपीआई को या फिर बोथ, दोनों को ठीक है। तो जो मेन टारगेट कर रही है अभी सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, टारगेट भी रखा हुआ है 4% ठीक है, 4% और प्लस माइनस 2% ठीक। सो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इन इंडिया मनी सप्लाई M1 इज इक्वल टू, मनी सप्लाई जो फोर कंपोनेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी कंपोनेंट को डिटेल में कर लेना ठीक है, कोई भी एक कंपोनेंट पूछ सकता है, नैरो मनी और ब्रॉड मनी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं ठीक। सो M1 में क्या इंक्लूड होता है, दैट इज जो भी राइट आंसर है कमेंट करेंगे ठीक है। अगर लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है तो उसको पॉज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है सो सी प्लस डी डी प्लस ओ डी ठीक है, एम वन में ये तीन चीज़ें आती हैं, और लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए अगर आप कंटिन्यू वीडियोज वगैरह वॉच कर रहे हो ठीक है। सो करेंसी डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, करेक्ट आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। सो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में चार कॉम्पोनेंट तो हैं, लेकिन उसमें से मेन कॉम्पोनेंट कौन सा है जिसमें फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ठीक है, फॉरन एक्सचेंज रिजर्व मैक्सिमम
जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, फॉरेन करेंसी असेट्स का, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी असेट्स का सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, फिर रिजर्व पोजिशन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो जो मेजर पोर्शन है वो है आपका फॉरेन करेंसी असेट्स का, आरबीआई के पास जितना भी रिजर्व है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस फैसिलिटीज इज गिवन बाय आरबीआई टू द बैंक्स फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आरटीजीएस, स्विफ्ट, एम पैसा एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो इंटर बैंक के लिए यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो है आपका आरटीजीएस। थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, एक फंड ट्रांसफर मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इमीडिएट विदाउट एनी डिले फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू। अब ये एक क्वेश्चन ही ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि मिनिमम अमाउंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और अपर लिमिट ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन कुछ आपको सोर्सेज मिलेंगे जो बोलेंगे अपर लाख 25 लाख रुपीज़ है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है वो भेजिएगा, लेकिन अपर लिमिट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अप टू भेज सकते हो फिर भी 25 लाख तक, लेकिन ये कहीं मेंशन आपको बहुत कम मिलेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो 25 लाख कह रही हैं अपर लिमिट, लेकिन आप एक कमेंट करिएगा कि 25 लाख अपर लिमिट है या फिर कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी चलते हैं नो अपर लिमिट के साथ। चलिए 24th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट लिक्विड असेट, सबसे लिक्विड असेट कौन सा है, ठीक है। लिक्विड असेट्स वो होगा जो इजिली हम लोग इसको एक्सचेंज में ला सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट लिक्विड, ठीक है, तो मनी जो है मोस्ट लिक्विड है क्योंकि इसको हम लोग इजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। 2017 का ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, ठीक है। सो एमपीसी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है या फिर करेक्ट हैं, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो आपका स्टेटमेंट, इट डिसाइड द आरबीआई बैंक मार्च इंटरेस्ट रेट। एमपीसी तय करती है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मतलब रेपो रेट क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। एमपीसी तो डिसाइड करता है कि रेपो रेट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूड द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज कंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर, ठीक है। गलत है, 12 मेंबर नहीं होते, 6 मेंबर होते हैं और 6 मेंबर में से 3 गवर्नमेंट के ऑफिशियल और 3 आरबीआई के इंक्लूडिंग गवर्नर, ठीक है। तो ये गलत है, और एवरी ईयर नहीं, बाई मंथली होता है, ठीक है। एक साल में 5 टाइम होता है, वैसे ऑन एवरेज बाई मंथली हो जाता है। सो इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैन नहीं होता, जो अंडर होता है वो होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई के। सो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड टाइम है, कई बार पूछ लेगा कि M1, M2, M3 और M4 में से कौन सा लिक्विड है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है उनका, इनमें से सीक्वेंस क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो मोस्ट लिक्विड जो रहेगा आपका M1 रहेगा, ठीक है, C+DD+OD। तो जो M1 के बाद मोस्ट लिक्विड, दैट इज M2 जो है वो थोड़ा सा कम लिक्विड है, क्योंकि M2 में M1 आ जाता है प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग आ जाता है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग थोड़ी टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे 5 ईयर के लिए होगी या फिर कुछ सेविंग ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम लिक्विड हो गया। फिर उसके बाद M3 थोड़ा और कम हो गया लिक्विड के रूप में, ठीक है, क्योंकि इसमें M1 दैट इज M1 आ गया प्लस इसमें टाइम डिपॉजिट आ गया, ठीक है, और M4 में ये सभी चीज़ें आ गई, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। सो सबसे कम लिक्विड है जो है, दैट इज सबसे हाईएस्ट मोस्ट लिक्विड जो है वो है M1, ठीक है, और लीस्ट लिक्विड है M4। तो इनका करेक्ट जो सीक्वेंस है, M1 इज़ मोर लिक्विड देन M2, M2 इज़ मोर लिक्विड देन M3 एंड M3 इज़ मोर लिक्विड देन M4। ये सीक्वेंस UGC नेट में पूछ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड। अब नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, किसने सेटअप किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा PGT में भी और UGC नेट में भी, ठीक है। तो नाबार्ड, राइट आंसर आपको स्ट्रक कर गया होगा माइंड में, ठीक है, फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फ्लो फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक, करेक्ट आंसर है। थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। सेटअप हुआ था
12 जुलाई 1982 में किसकी रिकमेंडेशन थी? शिवरमन कमेटी। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, नरसिम्हम कमेटी की नहीं थी, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी, शिवरमन कमेटी की थी, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक, सो लोन प्रोवाइड करता है या रेगुलेट करता है क्रेडिट को, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह को, ठीक है, जितने भी क्रेडिट एजेंसीज हैं उनको रेगुलेट करता है। हाँ, डायरेक्ट डील नहीं करता, ठीक है, जैसे अपेक्स बॉडी है आरबीआई, वैसी अपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है। ठीक, हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और भी इसके फंक्शंस हैं तो यहाँ पर आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इंटरनेशनल अगर मनी ट्रांसफर हो रहा है आपके अकाउंट में तो वो किस के थ्रू होगा, या फिर क्या कौन सी उसमें सिस्टम यूज होता है? ठीक है, आरटीजीएस, नेफ्ट, स्विफ्ट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो हो नहीं सकता, ठीक है, और अब बचा तीन, और आरटीजीएस भी क्या है, इंटर बैंक है तो ये भी नहीं है, और इंटर बैंक मतलब विद इन कंट्री, ठीक है, नेफ्ट विद इन कंट्री या फिर नेफ्ट भी नहीं है। जो स्विफ्ट कोड है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का, उसको इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए स्विफ्ट कोड यूज़ होता है। तो जितना भी हम लोग यूट्यूब से अर्न करते हैं, आप लोग वीडियोस देखते हो उसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है, कुछ अर्निंग होता है, तो ये जितना भी अर्निंग है, ठीक है, सिंगापुर से आता है, ठीक है, सिंगापुर में जो भी अर्निंग हो रहा है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्विफ्ट कोड। ठीक है, स्विफ्ट कोड उस बैंक का हमें देना पड़ता है, तो सिंगापुर से जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी अकाउंट अमाउंट है। चलिए, तो स्विफ्ट कोड यूज़ होता है, तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, स्विफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुद्रा बैंक विल इनिशियली कम अंडर। पहले तो क्वेश्चन अगर आप ये बताएंगे, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, मुद्रा बैंक कब सेटअप हुआ था, ठीक है, डेट अगर याद है आपको तो डेट मेंशन कर दीजिए, ईयर याद है तो ईयर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि इससे लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता लगेगा, ठीक, करेक्ट है, ठीक है, अप्रैल, और एग्जैक्ट डेट 8 अप्रैल 2015 को सेटअप हुआ था, ठीक, और इनिशियली किसके अंदर था, दैट इज सिडबी के अंदर, ठीक। सो मुद्रा हैज बीन इनिशियली फॉर्म्ड एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अब ये भी सिडबी भी आ जाता है, कब सेटअप हुआ था, 1989 और 90, दोनों डेट याद कर लो, ठीक है, 89 और 90, ठीक। अब तीन कैटेगरीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 तक का लोन, किशोर के तहत 5 लाख का लोन, और तरुण अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का लोन, मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की है मुद्रा बैंक के अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक आर, कमर्शियल बैंक के पास जितना ही पैसा है वो उसमें बहुत सारा लाइबिलिटी है और बहुत सारी कुछ पैसा असेट्स के रूप में, तो इसमें से कौन सा उसका लाइबिलिटी है जो उसने वापस करना है, तो जो भी उसने वापस करना है लोगों को वो उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो जो भी उसने अपने पास रखना है वो असेट्स है। सो टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एक टाइम के बाद देना पड़ेगा, तो करेक्ट है, एक लाइबिलिटी है। सिक्योरिटी होल्डिंग्स, अब सिक्योरिटी होल्डिंग्स आप लोग कुछ 100 करोड़ रुपीज़ लोन कोई अगर लेता है तो 100 करोड़ इतना लग नहीं लगा, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ का लोन ले रहा है और वो 11 लाख रुपीज़ तक की सिक्योरिटी रख रहा है, ठीक है, तो सिक्योरिटी जितने भी होल्डिंग्स हैं, अब अगर ये लोन नहीं मिलेगा तो सिक्योरिटी उसके असेट्स हो जाएगी, ठीक है, तो ये असेट्स के रूप में काम करेगा सिक्योरिटी, ठीक है, और अगर ये सिक्योरिटी वापस करेगा तो उसके बदले जो पैसे दिए हैं वो वापस ले लेगा, ठीक है, तो इसमें लाइबिलिटी नहीं हुई, ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, अगर पैसा नहीं देगा तो सिक्योरिटी अपने पास रख लेगा, ठीक, तो वैसे भी जितनी सिक्योरिटी अमाउंट है उतना अमाउंट वो लेगा ही लेगा, ठीक, तो ये सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी होल्डिंग्स लायबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आता। डिमांड डिपॉजिट, हमारा जो पैसा बैंकों के पास है हम वापस निकाल लेंगे, तो ये भी लायबिलिटी है। एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से उसने जितने भी एडवांसेस लिए हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, ये भी एक उसका लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, सेकेंड, ठीक। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी आपकी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए। अभी हमारे पास अगर मान के चले 1.5 मंथ कंप्लीट अभी भी है, ठीक है। कौन सा टॉपिक जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स हैं, एक तो कमिटीज़ पे आने वाला है वीडियो, एक अभी जो करंट इकोनॉमिक है, ठीक है, उस पर वीडियो आएगा, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं वो आएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे
एमसीक्यूज की सीरीज, ठीक है। तो इतना कुछ होने वाला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। बाकी अगर बैचेस को ज्वाइन करने हैं तो बैचेस को भी ज्वाइन आप कर सकते हो। चलिए, बाकी अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।